नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा संतोष नाम है जी। बहन जी, आप कहाँ से आए हैं? करनाल से आई हूँ जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 5 जुलाई 2018 को ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ जी, और हमारे पिताजी वेद शास्त्रों को पढ़ते थे। बचपन से ही हम सुनते थे, तो मन में एक बहुत ही जिज्ञासा हुई कि परमात्मा की प्राप्ति इस जन्म में अवश्य करनी है, चाहे मेरे को जंगलों में जाना पड़े, कोई गुरु बनाना पड़े, साधु बनना पड़े, ये बहुत ही इच्छा थी। और हमारे पिताजी के पास पंडित लोग आया करते थे, तो मैं उनसे बहुत ही क्वेश्चन किया करती थी कि आखिर सबसे बड़ा भगवान कौन है। कि जैसे हम विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो उसमें विष्णु की महिमा, शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें शिव की महिमा, दुर्गा पुराण पढ़ते हैं तो दुर्गा की महिमा, इनमें से एक ही हम परमात्मा को क्यों ना याद करें, जो जड़ हो, जो सबसे ऊंचा हो, ये मन में बहुत संकल्प चलते थे। और मैं जैसे जैसे प्रश्न करती थी, लेकिन संतुष्टि नहीं होती थी, कोई भी जैसे ऐसा मतलब उत्तर नहीं दे पाते थे। वो कहते थे ये तो ऐसे है जैसे कोई दूल्हा होता है और शादी के टाइम पर वो घोड़ी पर सवार होता है, बड़े छोटे सब उसके साथ में उसके पीछे पैदल पैदल चलते हैं, तो ऐसे ही भी जो पुराण हमने पढ़ी, जो शास्त्र पढ़ा, उसी की महिमा आएगी और बाकी तो सब साथी होते हैं। तो इस प्रकार से वो करते थे, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं होती थी। और ऐसे बहुत ही भक्ति, पूजा, व्रत सब कुछ करती थी मैं, जैसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म में किया जाता है। और हमारा फिर यहाँ पिताजी शहर में एक मंदिर में रहते थे पुजारी के रूप में, तो वहाँ पर पास में एक ब्रांच थी इन ब्रह्मा कुमारी की, उस ज्ञान के संपर्क में आई। और सब देवी देवता वहाँ पर, ये बताया जाता है कि ये जो देवी देवता हैं ये हम ही थे पिछले जन्मों में, और आज हम कर्मों के अनुसार ऐसे इंसान बने हैं, अभी पुरुषार्थ करने से फिर दोबारा से हम ऐसा ऊँचा पद पा सकते हैं। तो मन को बहुत अच्छा लगा और उसमें लंबे टाइम तक मैं जुड़ी रही। 86-87 में मैं उनके संपर्क में आई थी, और उनके संपर्क में रहते हुए उसमें कई जगह पर परमात्मा का ये ज्ञान देने का भी अवसर मिला। कई शहरों में, कस्बों में, जैसे इंद्री है, घरोंडा है, जुंडला है, ऐसे कई शहरों में परमात्मा ने जैसे मेरे को ही वहाँ पर निमित्त बनाया। आज तो वहाँ बहुत बड़े बड़े सेवा केंद्र ब्रह्मा कुमारी जी के चलते हैं, और कई और भी राज्यों में जैसे कानपुर में, मथुरा, आगरा, अहमदाबाद, इधर उधर बहुत ही मतलब जगह पर मैं बड़ी बड़ी बहन जियों के साथ भी रही, काफ़ी वहाँ का अनुभव भी लिया। लेकिन कई जैसे मन में क्वेश्चन रह जाते थे कि ये पशु पक्षी हैं, ये आत्माएं कहाँ से आती हैं, इनका घर कौन है, इनको कौन भेजता है। लेकिन फिर भी होता था कि आखिर जीव तो इनके अंदर भी हैं, दूसरी योनियों में जो 84 लाख योनियाँ बताई जाती हैं, तो इनकी भी तो कोई हिस्ट्री होगी, ये कहाँ जाती हैं, कहाँ से आती हैं, ये आत्मा परमात्मा से क्या कनेक्शन है, आखिर हम कहाँ जाते हैं। फिर भी कई क्वेश्चन होते थे, तो उनसे बड़ी बड़ी बहन जियों से हम पूछा करते थे, तो वो सब यही कहते थे कि बाबा ये अंत में बताएंगे, जब दुनिया का अंत टाइम होगा 2000 तक, ये बताते थे कि दुनिया का विनाश हो जाएगा, तो भाई अंत में बाबा माउंट आबू में मुरली चलती थी एक बहन जी के द्वारा, कोई आत्मा उसमें आती थी, तो वो बताते थे कि ये परमात्मा की आत्मा है। तो वहाँ पर वो बताया जाता था कि लास्ट टाइम पर परमात्मा खुद बताएंगे, अभी कई बातों के भगवान ने राज रखे हुए हैं कि भई ये अभी नहीं खोले हैं इन बातों के राज, और लास्ट में बताएंगे। तो मेरे को होता था कि लास्ट तक क्या पता हम रहे या ना रहे, शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है, तो लास्ट तक कौन इंतजार करेगा। भाई जब ज्ञान, परमात्मा ज्ञान का भंडार है, सागर है, तो उनके पास तो हर सवाल का आंसर होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कहाँ पर क्या है, कैसे है, किस आत्मा का किसके साथ क्या संबंध संपर्क है, क्यों हम यहाँ इस संसार में आते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन हमारा लेखा जोखा करते हैं, तो कुछ विस्तार से वहाँ पर जानकारी नहीं मिलती थी। तो ऐसे करते हुए ब्रह्मा कुमारी जी में रहते हुए ही फिर मैं आसाराम जी महाराज का भी, उनसे भी मिली, हरिद्वार में गई एक बार, और फिर ये जो कबीर पंथी अभिलाष महाराज जी हैं, इन्होंने मेरे को बीजक भी दी थी, इनको भी एक बार, इनका प्रोग्राम था हरिद्वार में, इनसे भी भेंट हुई। और ये धन धन सतगुरु जी सच्चा सौदा, इनके यहाँ सिरसा में भी गई। तो इस प्रकार से आर्य समाजियों में, जैन धर्म में, मतलब मेरे को ये होता था कि कहीं पर जैसे पूर्ण सच्चाई का पता चल जाए, हर जगह उस परमात्मा की, जैसे ऐसे लगता था कि ब्रह्मा कुमारी जी में पूरी संतुष्टि नहीं होती थी, बल्कि मेरे को सब यही कहते थे भाई तेरा तो है ना वैसे भटकना ही है, तेरे अंदर में भटकती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है। लेकिन मैं ऐसे सोचती थी कि दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा ना रह जाए कि जिसकी मेरे को जानकारी ना हो, कहाँ पर क्या है भाई, मैं उसको पूर्ण रूप से जानूँ, समझूँ और परमात्मा तक पहुँचूँ, ऐसे मेरे अंदर की भावना ही थी। बहन जी, आपने बताया कि आपने 30 साल तक ब्रह्मा कुमारी पंथ में प्रचार किया, फिर आप आसाराम जी के पास गए, गुरमीत राम रहीम सिंह जी के पास गए, और आप कबीर पंथी अभिलाष दास जी के भी पास गए, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? जैसे हमारे घर में जी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ऐसा तनाव हो गया था, तो उस बात को लेकर के
गुरु जी के अनुयायियों के जो इंटरव्यू होते थे वो मैं सुनती थी। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो सुनाते थे तो मेरे को वो बातें इतनी विश्वास नहीं होती थी, ऐसे लगता था कि जैसे ये सब अनपढ़ हैं या अंधश्रद्धा के वसीभूत होकर के ऐसा बोल रहे हैं या इनको कुछ लालच दे करके ऐसा बुलवाया जा रहा है, ऐसी ऐसी मेरे मन के अंदर भावनाएँ आती थी। लेकिन उसमें कोई पढ़ा लिखा अच्छा मतलब ऐसे दिखता था हिसाब से तो उस भाई बहन का मैं सुन लेती थी। और ऐसे करते करते उनका जब सुन करके मेरे को ऐसे वो भी चमत्कार की बातें सुनाते थे कि संत रामपाल जी से जुड़ने से हमारे यहाँ ऐसा चमत्कार हो गया, मेरी ये बीमारी ठीक होगी, हमारे साथ ऐसा हो गया, तो मेरे को लगे कि भगवान तो ऐसे सही सब कुछ कर सकता है, बदल सकता है, अभी हुआ होगा इनके साथ में ऐसा, तो मेरे अंदर भावना बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। और हमारे घर में जैसे ये अचानक ऐसे कोई भूत प्रेत की बाधा आ गई तो मैंने भी मन के अंदर परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से यही प्रार्थना की कि हे गुरुजी जब आप दुनिया के इतने कष्ट मिटा रहे हो, सबको इतनी आपके नाम लेने से आपके ज्ञान सुनने से सुख आराम मिल रहा है, तो हम भी उसी दुनिया के अंदर हैं, हम आपसे ना धन माया कुछ नहीं मांगते, बस इस आत्मा को थोड़ा शांत कर दो, जो मेरी सहयोगी आत्मा है पति के रूप में, इसको थोड़ी शांति दे दो ताकि हम चैन से सांस ले सकें। ऐसी मैंने एक मन में संकल्प किया, परमात्मा से प्रार्थना लगाई और दो चार दिन के अंदर तो मैंने ऐसा चमत्कार देखा कि जो कभी मतलब सुनता भी नहीं था किसी की बातें, वो टी वी के आगे बैठ करके ज्ञान सुनने लगे गुरु जी का। और एक हफ्ता सुनते सुनते उनके मन में कुछ ऐसी प्रेरणा होगी, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा कुछ उनका परिवर्तन कर दिया दिमाग का कि खुद ही बोलने लगे कि भी इन गुरुजी का कई नंबर लेकर के इनके आश्रम का पता लगाओ और अगर इन गुरुजी को तुम गुरु बनाओगी या नाम लोगी तो मैं भी इनका नाम लेने को तैयार हूँ। तो ऐसे करके मैंने फ़ोन मिलाए इधर उधर करके, जब पता चला कि भी हमारे पास में हरियाणा में कौन कौन से ये नामदान केंद्र हैं और कुरुक्षेत्र में, फिर मेरी कोई भावना ऐसी नहीं थी कि मैं नाम लूँगी क्योंकि मैं तो अपने आप को एक बहुत ही जैसे सर्वानंद जी की तरह ऐसा समझती थी कि मैं तो इतने बड़े बड़े गुरु महात्माओं से मिली हूँ, मेरे अंदर तो खुद ही इतना ज्ञान है, मैं गुरु तो किसी को बनाऊँगी नहीं, लेकिन सुनना मेरे अंदर सबकी एक मेरी भावना थी कि भी सबकी मैं सुनूँ कौन क्या कहता है। तो ऐसे मैं उनके साथ आकर के भी चलो ये नाम लेंगे तो अच्छी बात है और इनके साथ में मैं भी कभी इनका ना मैंने आश्रम देखा था संत रामपाल जी महाराज का, ना कभी इनके साक्षात दर्शन किए थे, ना किसी इनके अनुयायी से कभी मिली थी और ना कोई मैंने बुक भी नहीं पढ़ी थी इनकी, एक बुक कभी मेरे को मिली थी एक साल पहले लेकिन वो ऐसे ही दबा करके रख दी थी, उसको पढ़ भी नहीं पाई थी क्योंकि वो ज्ञान मेरे समझ में ही नहीं आया था, क्यों हमारे को ब्रह्मा कुमारी जी में तो कुछ और ही टाइप का ज्ञान दिया जाता था, तो इस कारण वो मेरी बुद्धि इतना नहीं समझ सकी और मैंने उसको ऐसे ही रख दिया था। लेकिन जब मैं यहाँ कुरुक्षेत्र में पतिदेव के साथ में आई और उन्होंने नाम लेने के लिए वो तैयार हुए बैठे तो मैं भी साथ में ही बैठ गई और मन में ऐसे ही मतलब इतने हल्के रूप से मैंने नाम लिया था कि भाई चलो देख लेते हैं, आज तक कोई ज़िंदगी में ऐसा कोई मन से गुरु नहीं बनाया है तो भी शायद कुछ हमारा उद्धार हो जाए, वैसे भी दुनिया कहती है भी गुरु बनाना जरूरी है, बिना गुरु के उद्धार नहीं है, मुक्ति नहीं है। संत रामपाल जी महाराज गुरु जी का ये नामदान लिया। मैं जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी बिल्कुल, पहली बात तो यह है कि मेरे अंदर जो एक ज्ञान की तड़प थी, ज्ञान की इच्छा थी कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, उसे कैसे मिला जाए, ये देवी देवता की क्या हिस्ट्री है, ये कैसे बनते हैं, कहाँ रहते हैं, मतलब इतने अलग अलग टाइप के ज्ञान सुन करके है ना मेरी मन की जो स्थिति थी ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल मैं इस जन्म में तो परमात्मा तो मिलना दूर रहा, मैं बिल्कुल मेंटल पागल हो जाऊँगी और पागलखाने में ही चली जाऊँगी इस ज्ञान के चक्कर में, क्योंकि इतने टाइप के ब्रह्मा कुमारी जी में से भी कम से कम 10-12 ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, ऐसे उनके अंदर से अलग अलग शाखाएं निकली हुई हैं, कहीं विष्णु का अवतार, कहीं शंकर का अवतार, कहीं ब्रह्मा का अवतार, कहीं इंद्र का अवतार, कहीं दुर्गा का अवतार, उन सब के अलग अलग ज्ञान सुन सुन के बिल्कुल आत्मा है ना भ्रमित हो गई थी और कोई भी कोई किसी का पक्का अनुयायी था कोई किसी का था तो वो अपने के ही गुण गाते थे, निरपक्ष भाव से कोई बात ही नहीं करता था ना कोई समझता था, तो मेरे को ये होता था कि कौन मेरी इन बातों का जवाब देगा, कौन मेरे को सेटिस्फाई करेगा, इस जन्म में तो मेरे को ये ज्ञान से बिल्कुल भी मैं सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, ऐसा मन में एक विचार था। लेकिन जैसे ही मतलब गुरुजी के इस ज्ञान में आगे आगे बढ़ती चली गई, सुनते रहे, किताबें भी पढ़ी, तो वैसे वैसे मतलब परमात्मा के ऐसे लगा कि बिल्कुल अब परमात्मा पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। ये पहले हमें जो ज्ञान था ब्रह्मा कुमारी जी में शिव परमात्मा के बारे में बताया जाता था तो वो जैसे गीता में तीन भगवानों का वर्णन आता है, शर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, तो वो शर पुरुष तक का ज्ञान था
और लेकिन यहाँ पर सारे ही जैसे अनंतानंत ब्रह्मांडों के बारे में परमात्मा ने खोल करके संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये ज्ञान जो बताया है, इस ज्ञान से मेरी आत्मा को पूर्ण संतुष्टि होगी। और ऐसे लगता था वो ज्ञान मैं कैसे भूल लूँगी जो इतने सालों से मेरे अंदर भरा हुआ है। तो वो ज्ञान धीरे धीरे जैसे जैसे ये सुनती चली गई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, और वो ज्ञान अपने आप ही बाहर निकलता चला गया। अब बिल्कुल भी मेरे को याद करने से भी वो ज्ञान याद नहीं आता, और मेरी बिल्कुल शरीर भी ठीक है और मेरी आत्मा भी बिल्कुल शांत है। अब कहीं मेरी आत्मा में जैसे पहले होता था कि वहाँ पर कोई अवतार है, वहाँ पर कोई महात्मा है, वो ज्ञान नहीं जाननी है, बस मन में होता था कि जाऊँ उसके पास सुनूँ जा करके क्या ज्ञान है। अब कोई ऐसी मन में इच्छा नहीं है कि कहीं ज्ञान सुनूँ। अब ये लगता बस यही भगवान का दर है और यही पूर्ण परमात्मा है। अगर यहाँ पर कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो कहीं पूरी हो ही नहीं सकती। सारी इच्छाएं जैसे यहीं पर पूर्ण होंगी। अगर थोड़ा बहुत मन में कुछ रहता भी है असल तो सारा पूरा ही हो चुका है। और एक हमारा बच्चा है, बेटा है, तो वो मतलब बिल्कुल ही पढ़ाई में नील था, बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। और अब प्लस टू में था तो अब खुद ही कहता है कि मैंने इस साल कापियाँ तक भी नहीं बनाई, और इतना मतलब नाम तो ले लिया था उसने जैसे तैसे कहने सुनने से, लेकिन पढ़ाई में उसकी कोई रुचि नहीं थी। तो मन में यही था कि परमात्मा ही करेंगे जो कुछ करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, अगर फेल भी होगा तो अच्छा ही होगा। उसको खुद ही था कि मैं पास तो हो ही नहीं सकता इसमें, होता ही नहीं। और पढ़ाई में उसकी बिल्कुल भी आगे पढ़ने की भी कोई इच्छा नहीं थी, ज़बरदस्ती स्कूल जाता था। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से, कबीर भगवान की कृपा से वो बच्चा बिल्कुल पास हो गया है, और उसको इस ज्ञान में भी पूर्ण रुचि है। वो भी नाम का जाप करता है, अब उसको सतनाम मिलने वाला है। और जो हमारे हस्बैंड है, पति है, वो भी इस ज्ञान में पूरी आस्था रखते हैं, मेरे से भी ज़्यादा रखते हैं। वो तो पूरा 2-3 टाइम बैठ करके एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा मंदिर के हमारा सामने बैठ करके परमात्मा का ये आरती वगैरह सारा मतलब नियम से करते हैं, पूरे पक्के नियम के हैं। और किसी भी गुरु महात्मा की जैसे मैं कोई कभी इधर उधर देख भी लेती हूँ भाई, थोड़ा सा पढ़ूँ किसने क्या कहा, क्यों, सबका लिटरेचर मेरे पास में है जैसे। लेकिन वो बहुत मतलब इस बात का वो करते भी, अब हम बस परमात्मा से ही जुड़ गए हैं। संत रामपाल जी महाराज की बुकों के सिवाय हमने किसी की बुकें नहीं पढ़नी है ना सुननी है, बस इसी में हमें चलना है। और हमारे घर में उसी से सुख शांति आई है, ऐसा मतलब मेरे को भी वो प्रेरणा देते हैं। जैसे हमारे पति थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना घर में क्लेश रहता था और हमारा घर बिल्कुल नरक जैसे ही बन गया था, और इतना रो रो के जैसे खून के आंसू रोने पड़ते थे, ऐसा लगता था कौन हमारे घर को संवारेगा परमात्मा के सिवाय। भी ऐसे होता था कई बार, परमात्मा जिस भगवान ने इस आत्मा को बनाया ना, वो भी इसको चेंज नहीं कर सकती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आने से, परमात्मा के जुड़ने से उनके अंदर बहुत ही परिवर्तन है। और मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा यही बड़ा चमत्कार है कि वो किसी भी धार्मिक लाइन में मेरा सहयोग नहीं देते थे और विरोध ही करते थे और सबको गालियाँ ही देते थे गुरु महात्माओं को। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उनकी बुद्धि को बिल्कुल चेंज कर दिया है, आज वो बिल्कुल एक देवता की तरह बन गए हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी ये चमत्कार की बात है जो हमारे घर में ही घटित हुई है। और जैसे जैसे फिर मेरे ही शरीर पर भी इतनी दवाइयाँ खाती थी, पूरा थैला साथ में लेकर बैठती थी, उठती थी कि अब ये खानी है, घंटे बाद ये खानी, आधे घंटे बाद ये खानी, इतनी दवाइयाँ, पता नहीं क्या क्या, कहीं गैस की, कहीं किसी दर्द की, कहीं बीपी की, कहीं शुगर की, कहीं ताकत की, खड़ा ही नहीं हुआ जाता था, चक्कर आते थे, इतनी मतलब दवाइयाँ खाती थी दुनिया भर की। ऐसा लगता था अब मेरा इन बीमारियों से, इन दवाइयों से छुटकारा नहीं हो सकता। कभी बोलती थी मेरे को उस हॉस्पिटल में डाल दो, कभी रामदेव के यहाँ डाल दो, भाई वहाँ पे पड़ी रहूँगी अपना जैसे कैसे ठीक होती रहूँगी, साल 2 साल 6 महीना जो भी लगेगा, असल तो इलाज है ही नहीं। ये तो बोलते, ये कहते शुगर का कोई इलाज नहीं है, इस बीपी का भी कोई इलाज नहीं है, तो कहते ये तो ज़िंदगी भर चलती हैं ये बीमारियाँ तो, और दवाइयाँ खानी ही पड़ती हैं और परहेज भी करने पड़ते हैं, डॉक्टर लोग ये बोलते हैं जी। तो वैसा हम मान भी चुके थे। और फिर जैसे धार्मिक संस्थाओं में जाते थे, ब्रह्मा कुमारी जी में भी ये कहते हैं भी कर्म का जो लेखा जोखा है पिछला, वो तो ये हमारे कर्मों के आधार से हमारे यहाँ बीमारियाँ लगी हुई हैं, कोई हमारे शरीर में कमी आ जाती है, ये तो हमें कर्मों के आधार से भोगना ही पड़ेगा, इसको तो कोई काट ही नहीं सकता। भाई जो वहाँ पे जो शक्ति आके जो आत्मा कोई ज्ञान बोलती थी, वो भी कहती थी मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, ये तो तुम्हारे कर्म का हिसाब किताब है। लेकिन यहाँ पूर्ण परमात्मा ने संत रामपाल जी के द्वारा जो ज्ञान दिया है, वो उसमें पूरा ही हमारे शरीर की बीमारियां भी खत्म होगी, दवाइयां भी छूट गई, और हमारे घर में सुख शांति भी आ गई। और जैसा मतलब एक परिवार में एक स्वर्ग जैसा माहौल बन गया कि बच्चे ने भी स्वीकार कर लिया और पति ने भी ज्ञान मान लिया, और मेरी आत्मा भी पूरी संतुष्ट होगी जो एक भटकना थी कि सच्चाई कहाँ पर है, पूर्ण सच्चाई कहाँ पर है, पूर्ण परमात्मा कहाँ पर है, एक पूर्ण गुरु कहाँ पर है, वो मेरे को संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर के मेरी वो बिल्कुल तड़प पूरी हो चुकी है और मैं पूर्ण रूप से परमात्मा की शरण में आ चुकी हूँ।
बहन जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि इस चीज को आपसे बेहतर कौन जानता है। आपने 30 साल तक ब्रह्मा कुमारी पथ में रहकर रिसर्च की भक्ति पर, फिर आप आसाराम जी के पास गए, गुरमीत राम रहीम सिंह जी के पास गए, अभिलाष दास जी के भी पास गए। आपके मन में रहता था कि ये आत्माएं कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपको इन सब बातों की जानकारी मिली। तो हिंदू धर्म के कुछ श्रद्धालु कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। ऐसे ही मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म के श्रद्धालु कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमारे धर्म की भक्ति छुड़वाते हैं। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अगर किसी धर्म के व्यक्ति को लेनी है तो उन्हें क्या अपने धर्म की भक्ति छोड़नी पड़ेगी? संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो चारों धर्मों के वेद शास्त्र ग्रंथों, बाइबल, कुरान के अनुसार ही ज्ञान देते हैं। वो किसी भी धर्म की काट नहीं करते हैं, किसी धर्म के विरोध में नहीं बोलते हैं, बल्कि उनके धर्म शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है कोई अपनी तरफ से मनगढ़ंत बात भी नहीं बताते हैं। वो जैसे और ऋषि मुनि महात्मा गुरु लोग ऐसे टाइम पास कराते रहते हैं कहीं कहीं घंटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इतना यथार्थ ज्ञान इतनी गंभीरता के साथ बताते हैं कि आज इतना पढ़ा लिखा समाज है, हमें उस ज्ञान को, चाहे मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाली आत्माएँ हैं, चाहे क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक रखती हैं, चाहे हिंदू धर्म से हैं, तो किसी की भी वो पूजा पाठ नहीं छिड़वाते हैं, बल्कि यथार्थ जानकारी कि वाकई में पूर्ण परमात्मा कौन है जिसने ये अनंतानंत ब्रह्मांड बनाए, ये सृष्टि बनाई, ये प्रकृति बनाई, ये सूर्य चांद बनाए, वो परमात्मा कौन है और उसकी हम कैसे पूजा कर सकते हैं, उसको कैसे हम पहचाने और कैसे उससे अपना बुद्धि योग लगाएं और कैसे इस काल के लोक से अपना छुटकारा पाए। कोई भी आज कोई भी धर्म में देखो हम जाते हैं तो ये नहीं कोई भी क्या गारंटी ले सकता, कोई भी ये ज्ञान नहीं देता है कि तुम इस जन्म मरण से भी छुटकारा पा सकते हो, तुम इन कर्म बंधनों से भी छुटकारा पा सकते हो। कहते हैं सब कर्मों का हिसाब भोगना ही पड़ेगा, ये तो जन्म मरण का जो चक्कर है ये तो अनंत कोटि जन्मों से हम ऐसे ही भोगते आ रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि भी सब बड़े, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग सब ऐसे ही इस भवसागर में गोते खाते आ रहे हैं, तो हमें भी ऐसे ही चलना है, हम उनसे बढ़ के क्या कर सकते हैं। लेकिन पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हमको ये ज्ञान दिया है कि हम इन देवी देवताओं की किस ढंग से पूजा करें, यथार्थ पूजा भक्ति क्या है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, दुर्गा माता की, काल ब्रह्म की, किस तरह से उन मंत्रों के माध्यम से कैसे हम उनको खुश रख सकते हैं और फिर उन पर जो टहनियों पर फल लगेंगे। संत रामपाल जी महाराज किसी भी धर्म की पूजा नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि उनके ही धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है उसको स्पष्ट करके विधिवत पूजा करवाते हैं और कैसे हम उस पूजा से मुक्ति प्राप्त करें, ये परमात्मा के द्वारा, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पूर्ण शिक्षा मिलती है। तो सभी भाई बहनों से मेरा ये अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को कम से कम 2-4 महीना अवश्य सुन कर देखें। नाम तो आप जब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए भले तभी ले, लेकिन इस ज्ञान को समझे। मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि तो एक अहम योनि है और योनियों की अपेक्षा, क्योंकि इस योनि में ही हम परमात्मा के ज्ञान को समझ सकते हैं। अगर ये अवसर हमने खो दिया तो फिर कभी भी हमको ये अवसर जिंदगी में नहीं मिलने वाला, इसलिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ज्ञान दे रहे हैं इस ज्ञान को आप घर बैठे टीवी के माध्यम से, आजकल तो इंटरनेट फ़ोनों के माध्यम से, बुकों के माध्यम से कैसे भी हासिल करके इस ज्ञान को सुन के, समझ के और अपने मनुष्य जीवन का जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को पा सकते हैं। बहन जी, पहले आप 1986 से ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़े रहे, उसके बाद आप आसाराम जी के पास गए और भी बहुत सारे गुरु आपने बनाए, तो क्या आपने कोई गलती तो नहीं की? क्योंकि लोग कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। जैसे कई लोग कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, ये गलत हो जाता है, अगर गुरु बदलेंगे तो गुरु तो एक ही होता है। जैसे कई उदाहरण देते हैं कि भी जैसे पति होता है, खसम होता है, तो एक ही होना चाहिए, कहीं नहीं हो सकता, इसी प्रकार से वो गुरु की तुलना करते हैं। लेकिन गुरु जी के माध्यम से हमें ये इस बात की जानकारी मिली है कि अगर एक गुरु के पास हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है, पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, तो गुरु बदलने में, जैसे कोई मरीज होता है, अगर हमारा एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता है तो हम दूसरा डॉक्टर बदलते हैं, तीसरा बदलते हैं, चौथा बदलते हैं, कई बदलने पड़ते हैं क्योंकि हम अच्छा होने की कामना रखते हैं। तो इसी प्रकार से गुरु भी हम बदल सकते हैं। परमात्मा कबीर साहिब ने भी ये गुरु जी के माध्यम से भेद खोला है कि भी हम गुरु बदल सकते हैं और गुरु बदलने में ही हमारी जब भलाई है, हमको उससे अच्छी ज्ञान मिलता है, अच्छी प्राप्ति होती है, तो इसलिए हमें गुरु बदलने में कोई बुराई नहीं है। बहन जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? जो भी गुरु महात्माओं से, किसी से भी, आसाराम जी के अनुयायी हैं, धन धन सतगुरु के अनुयायी हैं, और ख़ास करके जिस ब्रह्मा कुमारी संस्था में मेरा इतना कीमती समय
बीता है, उन सभी भाई बहनों के लिए मैं एक यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस ज्ञान को, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को हल्के में ना लेवें, इस ज्ञान को आप अवश्य समझें, सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के कई चैनलों पर सत्संग आते हैं, चैनलों के नीचे एक पट्टी चलती है जिस पर इनके नामदान या जो इनके भाई जो आगे आपको पता बता सकते हैं उनसे संपर्क करके आप ना किसी भी, अब तो हर जिले में ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र खुले हुए हैं, तो आप नामदान केंद्र पर जा करके परमात्मा की दीक्षा ले सकते हैं और इनसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी।